व्लॉग की शुरुआत करते हैं यहीं से, शिवालय की ओर से आगे बढ़ते हैं। और इधर ऊपर है एक गढ़ी, पता नहीं क्या इलाका है, गढ़ी नाम से शायद कोई बोल रहे थे, तो आप अगर वहां भी जाना चाहो तो जा सकते हैं। तो दिखाते हैं कि क्या है गढ़ी में आखिर। चलिए, हर हर शिव शंभो कैलाश पति। बाकी देखिए दोस्तों यहाँ पर कैसा है, गुफा टाइप का बना हुआ, पेड़ की जड़, मिट्टी मिट्टी पता नहीं कहाँ गई। तो चलिए भाई गड़ी दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है कुछ कच्ची सड़क टाइप की, तो हम होते हुए यहीं से जा सकते हैं शायद। तो यहाँ से ऊपर चलते हैं गड़ी देखने। दोस्तों यहाँ पर है पत्थर का मकान, पुराने ज़माने में हुआ करते थे ऐसे मकान। चलिए मैं आपको दर्शन कराती हूँ इन मकानों के। पहले टाइम पे कुछ ऐसे मकान हुआ करते थे, पठाली वाले, पत्थर 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 के ऊपर पत्थर ऐसे टाइप से। बाकी यहाँ पर कंडाली वगैरह भी है भाई। और अब ये मकान शायद गाय भैंसों के रहने का काम आ रहा है, गाय की पोटी पोटी की बदबू भी आ रही है यार दोस्तों। अब आगे ऊपर से देखिए पूरे लकड़ी से कवर कर रखा है इस मकान को। और ये मिट्टी के बना हुए हैं, गोबर मिट्टी की लपाई से। और इधर साइड भी ये देखिए ऐसा ही है ये। और यहाँ पर कुछ रखते थे अगर कुछ, ये उतना मुझे भी नहीं पता यार दोस्तों पुराने ज़माने के इन मकानों के बारे में ना, क्योंकि ऐसे हमारे गाँव में तो हुआ करते थे लेकिन हम रहे नहीं कभी। बाकी यहाँ पर गाय भैंस, भैंस नहीं, भैंस नहीं है, गाय है, घोड़ा है, दो चर रहे हैं। और ठंडी ठंडी हवाएं, आहा। और इस घर के ऊपर ना घोड़े की नाल भी लगा रखी है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर एक अंकल गुजर रहे थे तो उन्होंने बोला गढ़ी में गढ़ी देवी का मंदिर है। बाकी हम यही सोच रहे थे कि गढ़ी वहाँ आखिर क्या है क्या है क्या है, तो गढ़ी माता है वहाँ, उनका मंदिर है। तो चलिए जब शिवालय भी हो गए तो क्यों ना गढ़ी देवी का मंदिर भी हो आते हैं ऊपर। अच्छा ठीक है, धन्यवाद अंकल। तो भाई यहाँ से रास्ता गढ़ी देवी जाने का होते हैं फिर दोस्तों जब इधर साइड आई रखे हैं, देखाते हैं और जंगलों के नज़ारों का आनंद भी लेते लेते चलते हैं। जंगल दिखने में खूबसूरत जितने होते हैं ना उतने डरावने भी होते हैं और रिस्की भी होते हैं। पहले तो पहाड़ों पे जानवरों का, दूसरी हमारे पहाड़ों पे कहते हैं दोस्तों कि ज़्यादा हल्ला करके नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा डीजे गाना वगैरह नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत गंदी हवाएं भी चलती है तो उनका भी असर रहता है। बाकी अपने हर हर महादेव भाई, जय हो, चलते हैं। नज़ारे कुछ इस प्रकार से हैं, यहाँ से सीधे जाएंगे और अंकल कह रहे थे बीच में कोई टंकी पड़ती है तो उस टंकी के बाद कोई एरो बना होगा उसकी सहायता से चले जाना। वैसे ज़्यादा दूर तो नहीं है पर फिलहाल चलते हैं। और यहाँ पे देखिए भाई कितना मोटा पेड़ है ऊपर, शायद यूकेलिप्टिस का तो नहीं है, लागू सी कर रहा है मुझे। और यहाँ पर तालाब जैसा क्या है भाई, बारिश आएगी ना मोटी कभी तो तालाब ही बन जाएगा पूरा, इसी को बोल रहा हूँ शायद टंकी टाइप। यहाँ पर एक गाय दिख रही है। और दोस्तों ऐसे ना गाय, अगर गाय है कि भैंस, गाय गाय है तो ऐसे जानवर अगर अकेले छोड़े जाए ना जंगलों में तो बाघ का डर भी रहता है भाई। जय हो गाय माता। काश हमारे पास कुछ खाने का होता मैं आपको अवश्य खिलाती, तब तक आप इस जंगल की घास खाओ ठीक है। हम जाते हैं गढ़ी देवी मंदिर, बाय बाय। ठीक है उसने भी बाय बाय कर दिया भाई। रास्ता बड़ा अजीब सा है भाई दोस्तों, ये देख सकते हैं आप।
हर हर जय जय शिव शिव शंभो उमापति हर हर महादेव। भाई यहाँ से बाकी जय शिव शिव शंभो शंभो शंभो। चले दोस्तों, हल्की हल्की धूप लगनी शुरू हो चुकी है और वो अंकल शायद इसी टंकी की बात कर रहे थे। पापा मुझे प्यास लग गई यार, पानी दे दो, बोला भी नहीं जा रहा। तो पूरा प्योर पानी है भाई, बांझ की जड़ में तेरा ठंडा और ठंडा है बाबा, फ्रिज भी झक मारेगा। मुझे कह रहे पूरा मत पियो और खुद इतना पूरा पी रहे। ये ताला, इस ताला को कह रहे थे, वो ताला जैसा होगा वहां पे। तो गाइज, यहाँ से ऊपर होता है घनघोर जंगल स्टार्ट। चलिए चलते हैं जंगल की ओर और आपको भी अपनी यात्रा दिखाते हैं। ए पापा, क्या बोलते? चीड़ का होता नहीं, बीज होता है छोटा। छोटा दोस्तों इसको बोलते हैं, बल छोटा। और आपने मेरे ब्लॉग देखा होगा एक कल्पेश्वर वाला, उसमें वो दुकान में इसको 500 में बेच रहा था। और इस पे जो है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर कर रखे थे और कह रहा कि सजावट के लिए। और यहाँ ये ऐसे गिरे हुए हैं, वहाँ पैसे में बेच रहा था। छोटा है बल इसका नाम, छोटा, एक छोटा ये रहा। तो गाइज, हम शायद गलत जगह पर आ गए हैं। यहाँ पर तालाबंदी हुई है और कह लिखा है कि खतरा, तो शायद ये मंदिर नहीं है, रास्ता दूसरा है। चलिए वापस चलते हैं। दोस्तों हमने तो सब जगह देख दिया, इधर मंदिर ही नज़र नहीं आ रहा। उन अंकल ने कहा था एक एरो होगा, तो एरो तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। रास्ता भी नहीं पता, ऐसे भी नहीं जा सकते ना हम, रिस्की भी हो सकता है। तो पापा फिलहाल आगे चलते हैं, अगर वहाँ से दिखता है तो ठीक, नहीं तो वापस ले आएंगे। पर गढ़ी माता आपके घर द्वार तक आ जाते थे तो ठीक हो जाता था। गढ़ी माता जी आपकी भी दर्शन कराते थे हमें। अब ये लग रहा दोस्तों यही तो नहीं है खाली गढ़ी माता, यहाँ पे माला वगैरह लगा रखी है ना एक ही ऐसे टाइप का, तो खाली यही होगा क्या पता गढ़ी माता। ये दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर है दोस्तों ये, तो क्या पता यहीं पे गढ़ी माता कुछ होगा। बाकी इससे आगे मुझे एरो एरो भी नहीं दिख रहे कुछ, तो अगर ये है तो जय हो माता दी। क्या बोल रहे हैं पापा? मैं देख लिया, मैंने कहा था वहाँ तो आ गए शिवराई में। ठीक है तब चल जाते हैं वापस। दोस्तों माता रानी का मंदिर तो दिखाने, शायद वहाँ पे जो लाल पत्थर रहे थे वही शायद कुछ होगा, तो ढंग से भी नहीं बता रहे थे यहाँ के लोग, खाली बोलते वहाँ से ऊपर गाड़ी गाड़ी है वगैरह। पता ही नहीं है हम जहाँ भी फर्स्ट बार आ रहे हैं। अब बाकी मेरा पैर भी काफ़ी दर्द करने लग गया है, तो अब सीधा आराम ही करते हैं कुछ दिन तक, रेस्ट ही करूँगी, अब नहीं निकलूँगी कहीं मैं, क्योंकि पैर में दर्द हो रहा है। तो यहाँ से मैं थोड़ा हॉस्पिटल भी चले जाती हूँ, गौचर में रुक के पट्टी वगैरह कर लूँगी अपने पैर में। तो अब यहीं से निकलते हैं सीधा घर की ओर। तो हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती। तो गाइज यहाँ पर एक आंटी जी मिली गांव की, तो वो कहती कहाँ से, वो हमने बताया यहाँ से, तो बोला घूमने आए थे। मैंने कहा ऐसे, मैंने कहा एक मंदिर था वो दिखा रहे थे पर कैब, मैंने कहा कि वहाँ पर खतरा लिखा था उससे आगे, तो उन्होंने कहा कि खतरा का तो ऐसा तो कुछ है नहीं, वह यहाँ जो है कि स्कूल के लड़के बहुत से पानी हैं वो जगह जगह लिख देते रहते खतरा कहीं कुछ कुछ, तो हमने सोचा अब होता ही है, पहली बार देखेंगे डर के कारण, तो हम इसलिए वापस आ गए थे, हमने नहीं देखा। चलो कभी और दिन आएंगे,
गाड़ी देवी का मंदिर देखने, वैसे वो टॉप पे काफी अच्छा है पास ही, हमने खतरा सुना नीचे आगे होता ही है यार दोस्तों। हाँ डरफोक है, खाली रिस्क नहीं लेना चाहिए ना, जितना हो सकता उतना ही करना चाहिए। बाकी अब क्या ही बोले, आजकल लोग खाली खाली लिख देते हैं कहीं पे कुछ खतरा खतरा, बट यार कोई खाली खाली क्यों लिखेगा। बाकी यहाँ पर देखिए स्कूल के कुछ बच्चे हैं ये नीचे पे, जहाँ पे हमने पानी भरा था। अरे सर भारी हो रहा है यार, हमारे इंटरवल और की तो इंटरवल तक यहाँ तक आते हो घूमने? वाह यार, वहाँ ऊपर एक गढ़ी माता का मंदिर है ना, हम गए नहीं वहाँ पे, खतरा लिखा था, हम वापिस आ गए। वो बहुत ऊपर है ना, पता नहीं, हम पहली बार आ रहे इधर। कहाँ से वापस? पर इधर पहली बार आ रहे ना, तो वहाँ पे खतरा लिखा था तो वापिस आ गए। सच में खतरा है क्या वहाँ? नहीं है। तो एक आंटी भी कह रही थी कि स्कूल के बच्चे हैं, बहुत पता नहीं उन्होंने लिखा होगा। अच्छा तभी ये पानी, यहाँ से ठंडा पानी भरते हैं दोस्तों, और रास्ते में पीने का काम आएगा पानी। गोभी, हाँ ये तो गोभी। तो देखिए दोस्तों गांव में खेती कर रहे हैं लोग, और यहाँ पर से देखिए भाई गोभी। तो गाइस इस समय जो है कि धूप भी लगने शुरू हो चुकी है, और जो है कि काफ़ी गर्मी भी होने लग गई है अब। चलिए, पैर भी काफ़ी दर्द कर रहा है, और मुझे यहाँ से सीधा अभी हॉस्पिटल भी जाना अपनी ड्रेसिंग करने के लिए। कौन सा दोस्तों? यहाँ पे देखिए अखरोट लगा हुआ है, ये है अखरोट, अभी कच्चा है लेकिन जब पकेगा तब ये ब्राउन ब्लैक कलर के हो जाते हैं। तो ये अखरोट का पेड़ है, तो यहाँ कौन सा, ये ककड़ी बेल ना, ककड़ी और क्या? अभी तो वही नहीं। ठीक है आंटी जी। गांव की लाइफ कुछ इस तरीके से होती है, गाय भैंसों को टाइम टू टाइम पर खाना देना, उनकी रखवाली करना, तब जाके वो दूध हम लोगों तक, लोग हम लोग जो है कि दूध लगाते हैं तो हमें दूध मिलता है गाय का पीने को। बाकी गाय इस बाबा तो आ रहे हैं धीरे धीरे, और वहाँ पर जो आंटी मिली काफ़ी अच्छी बिहेव की लग रही थी वह आंटी, ना हम उन्हें जानते हैं ना वो हमें जानते हैं, बस ऐसे हम पेड़ देख रहे थे अखरोट का, तो उन्होंने ऐसे बोला कहाँ से हो, हमने कहा बस यहीं से इधर अपने इधर साइड नाम लिया, और तब बोला कि आओ बैठो चाय पियो, जबकि हम उनको जानते भी नहीं ऐसे नॉर्मली, तो चलते हुए हर कोई किससे बात करता, तो ऐसे होते हैं अपने आके इधर के। तो गाइज यहाँ पर लिखा हुआ है देवर, अब भाभी देवर पता नहीं कौन सा वाला देवर भाभी है, पर गांव का नाम देवर है। तो चलिए फिर यहीं पे से ब्लॉग को एंड भी कर लेते हैं, मिलेंगे आपसे कुछ दिनों के बाद। फिलहाल तो मैं रेस्ट करूँगी, मेरे पैर की हालत थोड़ा सा ख़राब चल रही है, तो कुछ दिनों के बाद मिलेंगे आपसे। बाय, टेक केयर, सी यू सून गाइस, हर हर महादेव, बाय।